हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हम अभी ऊपर शिफ्ट हुए हैं, नीचे काम चल रहा है, तो इस करके सब कुछ मैसी हो रखा है। किचन भी ऊपर है एंड एवरीथिंग। सो आज मैं आई हूँ रेसिपी के साथ, जो कि मेरे फादर प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको सब बताएंगे। जो इजी रेसिपी है, जल्दी थोड़े टाइम में बनाई जा सकती है, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखिए आगे की रेसिपी। वेलकम टू अवर फूड चैनल। आए हम आज एक क्विक सब्जी जो बहुत जल्दी बन जाती है वो बनाएंगे, जिसको झोल कहते हैं। ये शिमला की डिश है। इसको सबसे पहले हम इसके लिए आलू उबाल लेंगे और उसको क्रश करके एक साइड पे रख देंगे। तीन टमाटर लेंगे और उन्हें भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हमने तीन चार मिर्चें काट लेनी है, लहसुन काट लेने छोटे छोटे, और एक चम्मच जीरा ले लेना। कुकर चढ़ा देना गैस पे और उसमें तेल डाल देना। थोड़ा सा और तेल डाला, कम था वो। तेल गर्म हो जाएगा, अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, तो उसमें हम ये जो हरी मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा है वो इकट्ठा डाल देंगे। और इसको हमने तड़कना है। थोड़े से जब लहसुन का रंग चेंज होगा तो हमने इसमें टमाटर डाल देना। हाँ, हम इसमें टमाटर डाल चुके हैं और टमाटर डाल के अब हमने टमाटर को हिलाते रहना और इसमें नमक मिला देना है ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। और साथ ही हमने दूसरे स्टोव पे चावल उबालने को चढ़ा दिए ताकि टाइम की बचत हो सके। अब ये टमाटर थोड़ी देर ढक के पकाएंगे इसको। हम पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसको टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेंगे। और यहाँ हमारे इस तरफ चावल भी तैयार होने वाले हैं और इसके हम पीस निकाल लेंगे। और ये पीस इसकी छान रहे हैं क्योंकि हेल्थ वाइज भी ये चावल बड़े। अब ये टमाटर हमारे गल गए हैं तो थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी, तेल भी अलग हो गया है, हल्दी और लाल मिर्च डाल देंगे इसको स्वाद अनुसार। डालेंगे डाल दो। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हमने इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच किचन किंग, किचन किंग, ये एमडीएच का है, एमडीएच का किचन किंग है ये। थोड़ा सा इसको हिला कर हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालने लगे हम। अच्छा, अब तेल अलग हो चुका है इसका। अब इसमें फाइनल जो हमारा इंग्रेडिएंट है आलू, आलू वो डाल रहे हैं। बस इसको आलू को ज़रा सा भून के इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, भूनना, फिर पानी डल जाएगा ना। बस इसमें प्याज नहीं डालते ना। हाँ, प्याज नहीं डालते इसमें। अभी ऑलमोस्ट डन है हमारा, अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी और तो चाहिए, और चाहिए यार। फिलहाल हमने पानी डाल दिया और क्योंकि चावलों के साथ चाहिए इसलिए थोड़ा पानी इतना डाल दिया कि चावल खाए जा सके आराम से। और इसको हम सीटी भी दे सकते हैं या ढक के पका लें 5-10 मिनट। वो भी बहुत, क्योंकि आलू तो उबले हैं, आलू तो बॉइल्ड ही थे पहले। दो सीटियाँ इसमें लग चुकी हैं और अब इसको हम खोल लेंगे। हमारा फाइनल ये है, चावलों के साथ, उबले हुए चावलों के साथ खाया जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। अब हम जल्दी आपके साथ एक और रेसिपी से जो इजी और फास्ट हो हम फिर आएंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ बनके तैयार है ये झोल की सब्जी और चावल। मिलेंगे दोबारा अगले व्लॉग में।